ये गाइस ये देखो, ORS मिली है पैरासिटामोल और उस भाई के पास आयरन की गोली, यार बहुत काम का चीज। ओके दोस्तों, अभी हम हैं प्रयागराज में, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि रात में हम लोग कहाँ रुके थे। ये देखो यार, यहीं पे हम लोग रुके हुए थे, और जो कल हम लोग आ रहे थे ऑटो से लिफ्ट लेकर के, तो वहाँ पे हमें बाबा जी मिल गए, और उन्होंने ही हमें मतलब रात में यार आश्रय दिए रुकने के लिए। और भाई रात में यहीं रुके और मज़ा आया रुकने में, मतलब रुकने में मज़ा नहीं, रात में मज़ा आया सोने में यार, सुकून का नींद सोए। और अभी फिलहाल टाइम हो चुकी है यार 11 बज चुकी है, और अभी हम लोग को निकलना है भाई, अभी हम लोग को जाना है बनारस, जो कि गाइस यहाँ से 100 किलोमीटर है, और यार धूप तगड़ा वाला है, मतलब कड़ाके वाला है, ठीक है। और अभी खाली पैर हूँ और इतना भयानक जल रही है ना भाई कि क्या ही बोलूँ, ठीक है। और ये बाबा जी है जो हमें रात में आश्रय दिए थे, एक बार हाई कर दीजिए बाबा जी। और बाबा जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और यार रात में जो यही बाबा ने हमें आश्रय दिए थे रात में, बहुत ही अच्छा लगा बाबा से मिलकर, और बाबा से आशीर्वाद लेके अभी निकलेंगे यहाँ से, और सफर अच्छा रहे। और भाई यहाँ से निकलते हैं क्या भाई, यहाँ से निकलते हैं फिर मिलते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है बाबा, आशीर्वाद दीजिए बेटा। बेटा वो प्याज और वो लेते जाओ हम तो नहीं। और हाँ यार रात में यहाँ खाना वाना बना के खाया, घर जैसा मजा आ गया। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रास्ते में, और भाई हम लोग लिफ्ट लेना स्टार्ट कर चुके हैं। ये भाई लिफ्ट ले रहा है, और वो भी ट्रैफिक में यार, मतलब सिटी में, मतलब सिटी के अंदर में हम लोग सिटी के अंदर हम लोग हिचहाइकिंग कर रहे हैं, और यहाँ से निकल। हेलो, तो भैया हम लोगों ने यार रोड में आ चुके थे, और भाई आधा घंटा से खड़ा थे, ठीक है, मतलब चल रहे थे, और कड़कता धड़कता धूप में यार, और इस भैया ने हमें लिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच भैया जी, एक बार हाई कर दीजिए हमारे चैनल पे। हेलो हेलो हाय। और भाई यहाँ से हम लोग डायरेक्ट NH पकड़ेंगे आगे जा करके, करीब भैया ने हम लोगों को दिए है 15 किलोमीटर लिफ्ट, और वहाँ से हम लोग NH पकड़ेंगे, NH से डायरेक्ट बनारस, और वहाँ से करीब मुझे लगता है 90 या 95 किलोमीटर होगा ना भैया। तो भाई चलो चलते हैं, पहले नज़ारे का मजा लो यार। तो गाइस इस गाड़ी में हम लोग आए थे, और हमें ये दवाई मिली है गाइस, ये देखो ORS मिली है पैरासिटामोल, और उस भाई के पास आयरन की गोली, यार बहुत काम का चीज़ मिल गया यार, जब भी बुखार होगा इन दवाइयों से जिंदा रहूँगा यार, ठीक है। अच्छा खासा मिल गया भाई, मज़ा आ गया। अभी दुकान में खरीदने जाते तो कम से कम 300 तो खर्चा हो ही जाता का भाई, आराम से फोकट का मिल गया, ऐसे घूमते रहो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा यार, दवाई भी मिल जाएगी। सो गाइस अब बनारस ज़्यादा दूर नहीं रहा गाइस, ये देखो बोर्ड में मात्र 2 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली अपन लोग वाराणसी पहुंच ही चुके हैं, और यार दिल थाम के रखो यार, आदमी है तू। आने का जो सफर रहा ना बहुत ही खूबसूरत रहा, और जितने लोग भी हमें लिफ्ट दिए एंड जो हमें हेल्प किए यार, उसको तहे दिल से शुक्रिया भाई, ठीक है। तो फाइनली हम लोग गंगा नदी के जस्ट किनारे हैं, और एक घाट है यहाँ पे यार, वो मेरी खाना चाहूँ भाई, गरीब बस्ती है यार, एंड यहाँ के कुछ आकृतियाँ मैं दिखाना चाहूँगा भाई, ये रहा।
गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं वाराणसी। और यार पीछे आप लोग देख सकते हो ये घाट है। और यार अभी हम लोग यहीं पे थोड़ा देर रेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, मतलब शाम होने का वेट कर रहे हैं। वैसे शाम हो ही चुका है। और यार करीब हम लोग यार आधा एक घंटा से बैठे हुए थे, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा धूप में चले ना यार, इसीलिए थोड़ा सा मतलब बीमार होने का जैसा लगना, मतलब बुखार, मतलब क्या बोले, अजीब टाइप से होने लगा, मतलब ठीक ही नहीं लगने लगा। तो भाई इसलिए हम लोग एक घंटा से हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। और शाम लोग आ रहे हैं, तभी जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस टाइम यहाँ पे लोग नहीं थे, और अभी फिलहाल लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और वो देखो यार नाव, आगे आप लोग देख सकते हो, वो नाव से पूरा विजिट कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और यार काफ़ी अच्छा है यार ये घाट जो देख रहे हैं ना, काफ़ी क्लीन एंड क्लीन है, मतलब क्लीन क्लियर पूरा है, मस्त है। और इधर हम लोग का लगेज वगैरह पूरा, और ये भाई तो पूरा रील्स बना रहा है अपना, ये पूरा मस्त में। और इधर अपना लगेज वगैरह है, भारत यात्रा वाले के तिरंगा। और भाई एक और जीवन का अंतिम सत्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। और यहीं पे 24 घंटा होती है, मतलब हर मिनट में हर सेकंड में यहाँ पे जीवन का अंतिम सत्य यहाँ पे दिखती है। और बगल में ये देखो ट्रेन का पटरी, ये यार ट्रेन का पटरी है, काफी शानदार मतलब लुक लग रही है। और ये नाव तो यार लाजवाब है यार, बजट नहीं है इसलिए हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे, वरना वोटिंग कर लेते। और यार सुबह से आज हमको मन नहीं कर रहा था यार, मतलब अजीब टाइप से लग रहा था, मैं बुखार टाइप से जो होता है ना, बुखार टाइप से लग रहा था, इसलिए सुबह से कुछ भी और खाना भी खाया, एक टाइम खाया, उसके बाद फिर छोला ये वगैरह वगैरह खा लिया था, तो थोड़ा सा पेट में अजीब सा मतलब गुड़गुड़ सा होने लगा। तो भाई अजीब साल आज के लिए, आज मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने के, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग आज कर रहे हैं। बाकी भाई ये जो दुकानें हैं ये थोड़ा बंद है, लाइक यहाँ पूरा खंडर नहीं बोल सकते, मतलब अंदर से पूरा बंद है यार। इसमें पता नहीं इस लोकेशन का क्या नाम है, आई डोंट नो, बट अच्छा खासा लोकेशन है यार, काफ़ी अच्छा जगह में, और यहाँ पे स्टे करने का बेहद अच्छा है। तो भाई फिर देखते हैं आगे तक हम लोग। अपने मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है, जैसे कि कुछ लोगों को होता है यहाँ पे घूमने आते हैं, हमारे मतलब बनारस की तरफ कहते हैं, बनारस का मतलब बनारस का जो अर्थ होता है ना, वही होता है बना हुआ अर्थ। यहाँ का हर चीज आपको मतलब कि जो आपको यहाँ मिलेगा ना, पूरे ऑल इंडिया में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।